बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ये डामर का बहुत ही प्यारा सा न्यू डिज़ाइन बनाएंगे। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी डिज़ाइनिंग की हर नई वीडियो पहुँचे। इस तरह से दामन को हमने इस्त्री की मदद से तीनों साइड से चौक और नीचे दामन से इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लिया है जिधर हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है। दोनों दामन को हमने इसी तरह से इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लिया है। इसमें ये ऑफ वाइट कलर है जिसकी हम दामन पे डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए हमने ये ऑफ वाइट कलर का कपड़ा लिया है और नीचे ये ज़ीरो वाली बुकरम चिपका ली है। अब हम इसको रेबदार कट करेंगे, जिसके लिए हम पहले इस तरह से एक अरेबदार लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर आगे एक एक इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। एक साइड पे हमने निशान लगा लिए हैं, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से एक एक इंच पे निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों साइड पे एक एक इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब हम इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से लाइन लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं, अब हम इनको कट कर लेते हैं। इस तरह से सारी पट्टियां हम कट कर लेंगे, इस तरह से पट्टियां हमने कट कर ली हैं। अब हम इनको हल्का सा शावर करेंगे पानी लगा के, इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। पानी हम बुकरम वाली साइड पे नहीं लगाएंगे, कपड़े वाली साइड पे इस तरह से हल्का सा शावर कर लेंगे और इसको इस तरीके से दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड से कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम दोबारा से इसको हल्का सा शावर करेंगे और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से इसको डबल फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड से पहले फोल्ड किया, फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया। अब हम किनारे किनारे पे इसके सिलाई चला लेंगे और बाद में फिर इसके रिंग बनाते हैं। इस तरह से हमने पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड किया था और फिर दरमियान में से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से जो साइड हमारी खुली है उधर से रखेंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। अब हम इस्त्री की मदद से इसके रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के लिए हम पट्टियाँ काट लेते हैं, इस तरह से 3-3 इंच की हम पट्टियाँ काट लेंगे। अब हम इसके रिंग बनाते हैं। सारी पट्टियाँ हमने इस तरह से काट ली थी, अब हम इन पर शावर करेंगे। सारी पट्टियों को हमने इस तरह से पानी लगा लिया है। अब हम हाथ की मदद से हल्का हल्का सा इस तरह से गोल करेंगे इनको, हल्की हल्की सी गुलाई देने के बाद फिर हम इस तरह से इस्त्री की मदद से इनके रिंग बनाएंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। एक साइड पे इस्त्री करने के बाद फिर हम दूसरी साइड पे भी इस्त्री लगा लेंगे। तो ये देखें हमारे रिंग इस तरह से सारे रिंग तैयार होंगे। सारे रिंग हम इसी तरीके से बना लेंगे जी। तो ये सारे रिंग हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब हम इनको अपनी शर्ट के दामन पे लगाएंगे, जिसके लिए हमने ये पहले इसको फोल्ड किया था। अब इसको खोल देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने जो निशान लगाया था इस तरह से ये हमारा किनारा बनता है शर्ट का। पहले हम किनारे पे इस तरह से रिंग लगाएंगे, दो हम इस वाली साइड पे लगाएंगे, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ रखते हुए। इस तरह से पहले हम दो रिंग
इस वाली साइड पे लगाएंगे, हल्का सा इनको छोटा कर लेंगे हाथ की मदद से पकड़ के इस तरह से। दो रिंग हमने इस वाली साइड पे लगा लिए हैं, अब हम दो रिंग इस वाली साइड पे लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए किनारे पे। इस तरह से हमने दो दो रिंग लगा लिए हैं, जब हम इनको खोलेंगे तो ये इस तरह से आएंगे किनारे पे। दूसरे किनारे पे भी हम इसी तरह से निशान लगा के, वैसे हमने इस्त्री की मदद से निशान लगा लिया था, ये आपको दिखाने के लिए निशान लगाया है इस तरह से। इस वाले किनारे पे भी दो दो रिंग रख के सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल साथ साथ। इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी चार रिंग लगा लिए हैं, जब हम इनको पलटा लगा के पलटेंगे तो ये इस तरह से किनारे पे आएंगे। अब हम दरमियान में निशान लगा लेते हैं, दोनों किनारों पे इस तरह से रिंग लग चुके हैं। अब हम दरमियान में निशान लगाते हैं कि हमारा कितने फासले पे रिंग लगाना है हमने दूसरे। पहले हम दामन को इस तरह से माप लेंगे, ये हमारा 20.5 इंच है एक रिंग से दूसरे रिंग तक। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, 3-3 इंच पे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल बराबर निशान लगे हैं। पहले हम दामन को मापेंगे और फिर उस हिसाब से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने जो निशान लगाया है उसी निशान पे हम इस तरह से अपने रिंग को पकड़ेंगे, एक रिंग निशान के इस तरफ और दूसरा इस तरफ लगा लेंगे। दो दो रिंग किनारे पे हमने चार चार लगाए थे, दामन पे हम दो दो रिंग लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे निशान पे निशान हमारा दरमियान में रहेगा, एक रिंग उस तरफ और दूसरा उस तरफ लगा लेंगे आगे की तरफ। किनारों पे रिंग लगाएंगे, फिर हम दरमियान में से फासला अपने दामन का माप के इस तरह से दरमियान में रिंग लगाएंगे, जिससे हमारा फासला बिल्कुल इक्वल आएगा। अब हम चौक पे इसी तरह से माप के 3-3 इंच पे निशान लगा लेते हैं, नीचे वाली साइड से ऊपर को। इस तरह से हम साइड चौक पे भी दो दो रिंग रख के जिस तरह हमने दामन पे लगाए थे निशान के, एक रिंग उस तरफ दूसरा उस तरफ, इसी तरह से लगा लेंगे। इस तरह से हमने अपने साइड चौक पे भी एक साइड पे रिंग लगा ली है, दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से 3-3 इंच पे निशान लगा के रिंग लगा लेंगे। हाँ जी, तो ये हमने दूसरे चौक पे भी इस तरह से रिंग लगा दिए हैं। अब हम इन पे पट्टी लगा के पलटा लगा के उसको पलट के तरपाई कर लेते हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। जी, तो इस तरह से हमारा दामन बनके तैयार है, नीचे हमने इस तरह से पलटा लगा दिया है जिसको बाद में हम तरपाई कर लेंगे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।